दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से स्कूलों के लिए 2023 से 24 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया। दिल्ली सरकार स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार ही कार्य करना होगा। दिल्ली सरकार हर साल एकेडमिक कैलेंडर जारी करती है। इस बार भी सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कैलेंडर जारी कर दिया। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक सरकारी स्कूलों में समर वेकेशन 11 मई से लेकर 30 जून तक होगा, तो वहीं ऑटम ब्रेक 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रहेगा और साथ ही सर्दियों की छुट्टियां 15 जनवरी 2024 तक पड़ेंगी। वहीं शिक्षा निदेशालय की तरफ से गजेटेड हॉलिडे की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें 2023 से लेकर 2024 तक गजेटेड छुट्टियां 18 रखी गई हैं। शिक्षा निदेशालय की तरफ से गजेटेड हॉलिडे में गणतंत्र दिवस, होली, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल जुहा, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, ईद ए मिलाद, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती, दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गुरु नानक जयंती क्रिसमस का त्यौहार है। गौरतलब है कि हर साल दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय एकेडमिक कैलेंडर जारी करता है। इस बार भी शिक्षा निदेशालय ने साल 2023-24 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में समर वैकेशन 11 मई से लेकर 30 जून तक होगा, ऑटम ब्रेक 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रहेगा और सर्दियों की छुट्टियां 15 जनवरी 2024 तक पड़ेंगी। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।